सत श्री अकाल दोस्तों, कल यानी कि 29 तरीक नूं सिद्धू मूसेवाले दे कतल नूं ठीक एक महीना हो गया। एक महीने बाद पुलिस दी की कारगुजारी है, की कुछ इस विचकार होया अते जो SYL गीत लीक होया उस दे बारे की सोचदा है सिद्धू मूसेवाले दा परिवार। कल सिद्धू मूसेवाले दे माता चरण कौर जी दे नाल पत्रकार दी गलबात हुई, जिथे कि उन्होंने कुछ गल्लां बातां सांझियां कीतियां अते उत्थे ही SYL गीत बारे भी गलबात की। पुलिस वल्लों जो कार्रवाई की जा रही है, जो गैंगस्टर हुण तक काबू किए गए हैं जां जो भी हुण तक फड़े गए ने उहदे बारे की सोचदा है सिद्धू मूसेवाले का परिवार, ते कुछ होर भी खास गलबात की गई है माता चरण कौर जी दे नाल, जो कि हुण तुहाडे नाल सांझी करदे हां। सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद माता चरण कौर जी की पहली ही इंटरव्यू है जिस दे विच उन्होंने कुछ अहम खुलासे किए ने, सो तुसी भी सुनो यह इंटरव्यू। दोस्तों दस दिए परिवार का दुख बहुत वड्डा है जिसन वंडाया तो नहीं जा सकता। हाँ, उन्होंने यह दुख हौला जरूर किया जा सकता है, उन्होंने मिल के उन्होंने गलबात करके जरूर उन्होंने मिलो। हाँ, वह भी जरूर एतवार को जिमें कि उन्होंने परिवार वालों कहा गया है। सो दोस्तों नाल ही तुहाडे नाल इस इंटरव्यू तो बाद एक होर खास वीडियो सांझी करांगे, सो वीडियो अखीर तक जरूर देखना ते होर ताज़ा अपडेट्स दे लई बने रहना लिमिटेड ज्ञान दे नाल। हाँ जी मैम, तुसी सरपंच साहब बोल रहे हो मूसा पिंड तो, सिद्धू मूसेवाला दे मम्मा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। अज पूरा एक महीना हो गया मूसेवाला दी डेथ नूं, ते जिहड़ी कारवाई पंजाब पुलिस कर रही है उहदे नाल तुसी संतुष्ट हो जी? SYL गाना भी बैन करता मैम? चलो कोई गल नहीं, बहुत चल गया SYL ते बैन हो गया। चलो कोई गल नहीं, शुरू तो ही हुंदा आ रहा साडे नाल इदां जी जी। हाँ। ते मैम जेड़ी तुहानू या थोड़े हस्बैंड नू मिली हैगी सिक्योरिटी? हां जी। अच्छा, किन्ने गार्ड्स है थोड़े नाल? साडे नाल 6 गार्ड्स है। हां जी। तुसीं अमित शाह जी नू मिले सी मैम, ते उन्होंने की मैम आश्वासन दित्ता थोनू? उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दित्ता, फिर असीं उत्थों आ गए सी जी। चलो जी, दे देंगे इंसाफ, चंगी गल नहीं देंगे तो वाहिगुरु को साडा हैगा ही। जी 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 मैम, तो शुरू तो ही कहना होंदा सी उहदी अपील तां ही चलदी है जी। बिल्कुल, बाबा नानक हैगा उह तां हिसाब किताब कर देंगे जे ना देंगे। पुलिस अफसर जी नूं पता होगा भी किवें की कुछ हैगा। पुलिस दे नाल राबता है, तुहानूं दस रही है जी पुलिस कुछ? नहीं नहीं, असीं तां हजे सदमे च ही आ, साडा तां सदमे ही नहीं लोट आउंदा, साडे कोल तां जान आउण वाले लोक वाधू आउंदे आ, साडा तां हजे जिन्ना हो सकया करांगे, क्योंकि ओ मैनूं लगदा इक गायक दे नाल इक सोशल एक्टिविस्ट भी सीगे। हां जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसी तंदुरुस्त रहो मैम। थैंक यू। हाँ जी मैम, तुसी सरपंच साहब बोल रहे हो मूसा पिंड तो, सिद्धू मूसेवाला दे मम्मा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। अज पूरा एक महीना हो गया मूसेवाला जी दी डेथ नूं, ते जेड़ी कारवाई पंजाब पुलिस कर रही है उहदे नाल तुसी संतुष्ट हो जी? हजे तक तो संतुष्ट हां। हाँ जी, हाले तक तो संतुष्ट हां, अगे देखांगे जो कोई। जो जग्गू भगवानपुरी नूं अज लेके आ रहे ने मानसा ट्रांजिट रिमांड ते, उहदे ते की कहना चाहोगे? उहनां दा कम्म है जी, हुण साडे नाल असीं तां उहदे बारे की कहांगे। ते SYL गाना भी बैन करता मैम? चलो कोई गल नहीं, उह तां बहुत चल गया SYL ते बैन हो गया, कोई गल नहीं। पर उहनां दे तां ऑफिशियल चैनल ते चुक्के है। चलो कोई गल नहीं, शुरू तो ही हुंदा आ रहा साडे नाल इदां जी जी।
ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6 6 ਗਾਰਡਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਮ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸਾਫ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ 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 ਮੈਮ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਗਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਰਾਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਦਮੇ ਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਨੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਫਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ SYL ਗੀਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁੰਦਣ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਗੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਗੁੰਦਦੀ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ SYL ਗੀਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਲਾ ਦੇਣ।
कदी उन्हां दी हिम्मत नहीं पई कि भाई जगतार सिंह हवारा दा नां लै देण, कथा करदिया करदिया। क्यों? क्योंकि सानूं अपने पैसे चाहिए ने, सानूं अपनियां स्टेजां चाहीदियां ने, असीं की लैणा कौम तों, असीं की लैणा पंथ तों। पर तुसीं जिहनूं गाउण वाला कह गए उह तां भाई जगतार सिंह हवारा दीआं तस्वीरां दिखा गया, उह तां संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालिआं दीआं तस्वीरां दिखा गया, उह तां पंजाबीआं नूं उहनां दी अणख याद करवा गया। सो सचमुच ही एस वाई एल गीत 'ते जे असीं टिप्पणी करनी होवे तां असीं इक गल कहांगे कि पंजाब जिहड़ा वा अणख दे नां 'ते जींदा है, पंजाब दी अणख नूं ललकारना वो भारी पिया समें समें दीआं सरकारां नूं। ते इहो ही गल सिद्धू मूसेवाला अपने गीत दे राही नौजवानां नूं याद करा रहा सी, कैसा योधा जो अज नहीं रहा। ते तुसीं मन सच मनना, जदों मैं गीत सुनिया तां उह गीत सुनन तों बाद जदों इकदम मेरे मूहों निकलिया जींदा रहा वीरा, बाद विच अक्खां भर आईआं कि वह है नहीं, पर फिर नाल नाल ये भी आया कि नहीं वह अपने बोलना राही सदा ही सच्ची जींदा रहेगा। तो इहो जिहा योधा, क्योंकि 1 करोड़ जिहदे फॉलोअर सन, उस बंदे दी कही गल दा असर बहुत ज़्यादा हुंदा है। तुसी अग्गे भी तुहानू पता होवेगा, जदों सिद्धू मूसेवाला कोई भी गीत गा दिंदा सी तां कई लोगों नूं पता नहीं हुंदा सी उह किहदे बारे गल कर रहा, फिर लोग सर्च करदे सी कि उह किहदे बारे गल कर रहा। तो एस वाई एल गीत विच उहने इन्नी क अणख पंजाबियों की जगाउण की कोशिश की, जे सचमुच ही पंजाबी जाग जाण, सचमुच ही जे असी अपने आप नूं गुरुआं पीरां की धरती के वासी कहाउंदे आ तां साडे विच उह क्वालिटियां होणियां जरूरी ने। जिवें जगह जगह ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बेअदबियां हो रहीआं ने, अग लग रही है सरूपां नूं, असी की कर अपने आप नूं, असी किस तरह शीशे दे अग्गे खड़े हुए देखदे आं, कित्थे गईआं ने साडीआं अणखां। कदी किसी दी पग ला दित्ती जांदी है, कदी किते इक कार बैन कर दित्ते जांदे ने। हर एक नूं अपने विश्वास नूं पालण दा पूरा हक है, ते इसे करके साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने कुरबानी दित्ती। सो सानूं पंजाबीआं नूं अपनी अणख जगाउणी चाहीदी है, गल एस वाई एल गीत दी नहीं। पता नहीं होर किन्ने होणगे जिहड़े पंजाबीआं दीआं अणखां जगाउंदे जगाउंदे अपना आप कुरबान कर रहे। जे भाई जगतार सिंह हवारा दी गल करिए, की लोड़ सी उहनां नूं 100-100 किला जमीन दा जिहनूं आउंदा होवे, उह किन्ने ऐश नाल अपनी जिंदगी जी के वापस चलिया जाएगा। सो सचमुच ही सिर्फ खाणा पीणा पहनणा ऐश फरस्ती करनी मौज माननी, यही जिंदगी नहीं हुंदी, जिंदगी हुंदी आ अणख, अणख नाल जीना। ते जिस तरह उस समय पंजाब दी नौजवानी दा घाण हो रहा सी, जे जगतार सिंह जी हवारा जी ने जो कीता जे वह ना करदे तां अज असी होना ही नहीं सी। अजे भी माझे विच कई ऐसे पिंड ने जिन्हां विच 20-20 सालां बाद बरात चढ़ी है। ऐसी नौजवानी उस वेले खत्म कर दित्ती गई। ते बंदी सिंघां बारे अज कौन गल कर रहा, बंदी सिंघां नूं बाहर कढ़न बारे कौन सोच रहा। भाई जगतार सिंह हवारा दी जे गल करिए तां उन्हां नूं किन्नियां किन्नियां भारी बेड़ियां लगाईआं गईआं, किन्ने आवाज़ उठाई के बेड़ियां लाओ, बहुत थोड़े होणगे कईआं नूं पता ही नहीं। एक ऐसा योधा जिहड़े साडे बंदी सिंह ने, उह किड्डे वड्डे साडे योधे ने। सो सानूं अपने योधिआं दीआं कुरबानीआं नूं याद रखणा चाहीदा है। बाकी जे ऊधम सिंह, चाहे शहीद ऊधम सिंह की गल की, जनरल डायर नूं मारन की, उस वेले संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालिआं दी गल कीती, तां संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले बारे बोलदिआं उन्होंने एक गल कही है कि अत कौन सी ते अतवादी कौन सी। सचमुच ही अत किसी ने चुकी हुई सी ते अतवादी किसी नूं बना दिता गया। सो अत चुकी जाती है हमेशा ही मौके दे लीडरां वल्लों, ये गल सोचियो, अत चुकी जाती है लीडरां वल्लों जिन्हां वल्लों धर्म के नाँ ते लोगों नूं लड़ाया जाता है, तो बेगुनाह इहो जे योधे जिहड़े ने उन्हां नूं मार दिता जाता, उन्हां नूं कतल कर दिता जाता, उन्हां नूं शहीद कर दिता जाता है, जिवें उस वेले होया। सो सचमुच ही सिद्धू दे लास्ट दे मैसेज ते ये भी गल याद रखनी चाहिए है कि ये जो एस वाई एल गीत है, ये सिद्धू आप इनू डिज़ाइन करके गया सी प्रॉपर कि इनू किस तरह के रिलीज़ करना है, किहदे बोल अगे आने चाहिए ने, किहदे बोल पिछे आने चाहिए ने, जो भी वो वर्डिंग भी लगाई गई है। सो जिस तरह कहा गया है कि पंजाबी तो अपना बदला लै ही लेंदे ने, 600-600 साल याद रखते हैं, ये सारा कुछ पहला ही उन्हें सोच के प्लैन करके समझाया होया सी डिज़ाइनर्स नूं। इस तो बाद विच नहीं, ये उहदी सोच दे राही ही सारी वीडियो जिहड़ी है वह बनी है, जिस तरह उसने किया सी, क्योंकि उन्हें सुनाया भी सी कई अपने प्यार वालों ये गीत, तो उन्हें यह गल कही भी सी कि मैं इसनों जल्दी ही रिलीज़ कराँगा। सो सचमुच ही वड्डा हौसला चाहिए है पंजाबी, अणख नाल जीना सिख जो सच, दो पैर घट तुरना, तुरना मड़क दे नाल जां अणख दे नाल जीना, उही जड़ा सोहना हुंदा है। ज़्यादा लंबी उम्र किसी नूं नहीं चाहीदियां, अणख की जिंदगी जे मिल जाए तो उस तो उत्ते कुछ भी नहीं हुंदा। अपनियां अणखां जगाओ, छोटे छोटे लालचा पिछे ना भजो, अपना उच्चा सुचा जीवन बनाओ, अपने करैक्टर उच्चे बनाओ। पंजाबियों की पग ते जो माण सी उह सदा ही कायम रहे, जिवें धीआं धिआणियां सेफ महसूस करदियां सी किसी पग वाले गभरू नूं देख के, उस तरह ये रुझान जिहड़ा ये इदां ही रहे, ये इंट्रस्ट जिहड़ा इदां ही रहे, सिक्खी इदां प्रफुल्लित हुंदी रहे, सानूं जीवन जाच आउंदी रहे, असीं गुरुआं पीरां दे पाए असूलों के उत्ते चलते रहिए, असी अपने योधिया के पाए पूर्णिया से चलते रहिए, जिन्होंने अपना आप कुरबान दिता, अपन सारिया सारिया उम्र जिन्हों जेलों में लंघ गई। एक होर गल, जे बलात्कारी साध राम रहीम 2 बार जमानत मिल सकती है तो फिर भाई जगतार सिंह हवारा क्यों नहीं।
ये गल्लां जिहड़ियां ने बड़े सवाल खड़े करदियां ने, घट गिणती दा सदा शोषण हुंदा है। दूजी गल, शेरां तों सारे डरदे हुंदे ने, ते शेर पिंजरे विच होवे उहदा वी रोब हुंदा है। सो साडे शेर जिहड़े ने भावें पिंजरिआं विच ने, पर सानूं अपने अंदर दा जिहड़ा अणख वाला तत् वा उह जगाउणा पवेगा। अणखां ना मारीए, जो पंजाबी नौजवान चाहे वह कुड़ी होवे चाहे वह मुंडा होवे, अपनी अणख नूं पछाणो। असी छोटे छोटे विकारां दे पिछे लग के अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। जिवें असीं देखदे हां किसी कुड़ी पिछे लग के किसी ने सुसाइड कर ली, पंजाबी जे मरदा है तां जिवें सिद्धू मूसेवाले दी मौत है, सचमुच ही वह सरकारां दा काम है, एजेंसियां दा काम है, कोई आम गैंगस्टर वार जिहड़ी बनाई जा रही है, ये बहुत घट्टे दे चांसिस लगते हैं। रूप कोई होर दे दिता जाता है, पर अणख नाल जिउणा ते अणख नाल मरना जिहड़ा वह पंजाबियों के हिस्से आंदा है। ते पंजाबियों ने डरना भी नहीं, भावें जिन्ने मर्जी तुसी कतल करी जाओ, जिन्ने मर्जी तुसी जेलां च डक्की जाओ, पंजाबी हमेशा अपने हक्कां लई जागदे ने ते जागदे रहो। ये सिद्धू मूसेवाले दा लास्ट मैसेज है, ते मैं उस मैसेज नूं रिपीट कर रही हाँ कि जागदे रहो पंजाबीओ, अपने हक्कां दे लई बोलना सीखो, अपनी दस्तार दे नाल माण नाल जिउणा सीखो, रूहानियत भरपूर जीवन जियो, गुरु वाले बन के, गुरु दे लड़ लग के, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ के, तां कि सारिआं नूं साडे ते माण होवे कि सचमुच ही असीं पंजाबी हाँ। ते सिद्धू दा एक बार फिर धन्नवाद, जिहड़ा जांदा जांदा पंजाबी दी नौजवानी नूं एक बार फिर याद करा गया कि अणख की हुंदी है ते अणख नाल जिउणा की हुंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।